हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। स्क्रीन पर लिखा आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नई कमांड, तो उस बेस मतलब सर्कल के बेस पर होगी, तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड ऑन कर लेते हैं, तो हम ऑटोकैड पर अपना डबल क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑटोकैड ऑन हो चुका है, ऑटोकैड 2016 हमारा ऑन हो चुका है। तो हम वही काम करेंगे, हम अपने स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा ग्राफ है जौन सा ड्राइंग का ग्राफ है जौन सा ऑन हो पाए। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा ड्राइंग का ग्राफ ऑन हो चुका है। तो हम करें क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने यूनिट्स एंड लिमिट्स, हम ड्राइंग के यूनिट्स एंड ड्राइंग के लिमिट्स हम सेट कर लेंगे। तो हमने यूनिट सेट किया, तो आप देख रहे होंगे कि ड्राइंग के यूनिट्स खुल गए हैं। तो वही हम चेंज कर लेंगे, हमारे 0.00 कर लेंगे प्रिसीजन एंगल का और लेंथ का। तो अपना इंस्ट्रक्शन स्केल है जौन सा वो हम रख लेंगे मिलीमीटर में, ओके कर देंगे। देन हम एंटर करेंगे लिमिट्स LIMITS। तो हमारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर के लिमिट हो जाएंगे 0 tab 0 एंड देन राइट कॉर्नर के हमारे लिमिट्स हो जाएंगे 150 tab 150 tab 150। तो देन हम एंटर करेंगे जूम, देन एंटर करेंगे ऑल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारा ये सभी कमांड्स हमने एंटर कर दिए हैं हमारे ड्राइंग के यूनिट्स लिमिट्स एंड जूम एंड ऑल। तो हम आप आगे शुरू करते हैं, हमारी ड्राइंग बनानी शुरू करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर डिपेंड करता है सर्कल पर, तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रही हमारी डायग्राम, तो आज हम बनाएंगे ऊपर वाली डायग्राम। तो आप देख रहे होंगे सर्कल रेडियस पर और डायमीटर पर बनी हुई है। तो मैं इसमें आपको ये भी समझाऊंगा कि ये इसके साथ कैसे टेंजेंट भी हुई है। तो आज हम यही ऊपर वाली सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कितनी है हमारी 60 की। देन हम लेफ्ट साइड पर 15 एंड राइट साइड पर 15 ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद हम सर्कल रेडियस एंड डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी डायग्राम है जो डिपेंड करती है हमारे सर्कल पर, जो सा हमने रेडियस एंड डायमीटर पिछले लेक्चर में किया था। तो वो आज हम शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लेंगे हम लाइन कमांड, तो हम लाइन कमांड के ऊपर क्लिक लेंगे। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हम कहीं किसी से भी कहीं पर भी हम स्पेसिफिक पॉइंट ले लेंगे। तो F8 करेंगे तो हमारी लाइन कौन सी है स्ट्रेट हो जाएगी। तो मैंने 60 एंटर किया, तो मैंने आपको जैसे बताया था मैंने 60 एंटर कर दिया। देन हम आगे क्या करेंगे वो आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। तो आगे हम लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ 15, तो हम ऊपर की साइड को कितना जाएंगे 15। देन हम फिर से हम ऑटोकैड पर जाएंगे, तो हम लाइन कमांड लेकर तो हम कितनी लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, हमने देखा था डायग्राम पर वो लिखा हुआ था 15, तो हम 15 एंटर कर देंगे। तो हमने 15 एंटर कर दिया। देन हम राइट साइड को भी कितने करेंगे एंटर 15, दोनों की तरफ हम शायद उसने वो कमांड डायमेंशन नहीं दी हुई, पर उसने बताया हुआ है कि लेफ्ट भी 15 है और राइट भी 15 है। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम पर लिखा आ रहा है कि लेफ्ट भी 15 है और राइट भी 15 है। आगे हम क्या करेंगे, हम अब सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम आप देख रहे होंगे डायमेंशन दी हुई है सेंटर से लेके ऊपर तक 35। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम ड्राइंग पर जाएंगे, सेंटर से लेके ऊपर तक कितनी दी हुई है 35। तो उसके बाद उसने क्या किया, सर्कल रेडियस और सर्कल डायमीटर ड्रॉ किया। तो हम फिर से वही करेंगे, हम लाइन कमांड पर जाएंगे, सेंटर से हम ऊपर की तरफ कितना चले जाएंगे 35, मिड पॉइंट से 60 का मिड पॉइंट लिया हमने। फ्रेंड्स, हमने 60 का मिड पॉइंट लिया ताकि हम ऊपर की तरफ कितने चलेंगे 50। देन हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमारे दो सर्कल, जो सा एक सर्कल है हमारा रेडियस और दूसरा कौन सा हमारा डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेडियस सर्कल, हम अपना रेडियस है जो सा 20 का रेडियस है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो हम सर्कल पर जाके हम क्या कौन सी कमांड सेट करेंगे, मैंने आपको बताया था सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस मैंने ली और मैंने कितना एंटर करना है 20, कितना दिया वो डायग्राम में 20 रेडियस हो गया। तो डायमीटर कितना होगा इसका 40। तो हम डायमीटर कितना देंगे, हम दूसरा सर्कल का डायमीटर कितना था डायग्राम में वो था 25। तो अब देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, एक का रेडियस मैंने ड्रॉ किया 20 और दूसरे का ड्रॉ किया 25। सेंटर लाइन हमने इसलिए ट्रीट कर दिया क्योंकि हमने सिर्फ वो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी ताकि हमारे दो सर्कल ड्रॉ हो पाए। तो हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए। देन हम आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक नई कमांड सिखाऊंगा जिस कमांड का नाम है टेंजेंट। तो एक लाइन को सर्कल के साथ कैसे टेंजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने लाइन के एंड पॉइंट से स्टार्ट किया, F8 ऑफ कर दिया, तो सर्कल के करीब जाके मैंने क्या किया, टैब से कीबोर्ड से हमने क्या किया TAN एंटर किया, यानी टेंजेंट एंटर किया। तो उसके बाद वो मैं सर्कल के ऊपर लाइन लेके गया, तो हमारा टेंजेंट पॉइंट वहाँ पर शो हो गया।
लिखा आ रहा है, आप देख रहे होंगे टेंजेंट लिखा आ रहा है। मैं फिर से आपको करके बताता हूँ दूसरी तरफ कि मैंने क्या किया, लाइन कमांड ली और 15 के एंड पॉइंट पर गया, मैंने क्लिक किया, मैंने टैब F8 ऑफ किया था, ऑर्थो ऑफ किया था, लाइन के सर्कल के पास गया, TAN एंटर किया, तो सर्कल के फिर से ऊपर गया, मैं लाइन को लेकर सर्कल के ऊपर गया तो वहाँ पर अपने आप ही शो हो गया क्या लिखा आ रहा है, टेंजेंट। ये क्या हो रही है लाइन इस पॉइंट पर क्या हो रही है, सर्कल के साथ क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है। तो मैं आगे वही एंटर करूँगा TR डबल एंटर अपना डबल एंटर करूँगा ताकि हमारा बीच वाला जो सा इंटरसेक्ट हो गया था ना टेंजेंट करके लाइन वो डिलीट हो पाए। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स वो लाइन डिलीट हो चुकी है। तो सेम डायग्राम हमने आज वैसे ही सेम बिल्कुल जो सी हमने डायग्राम दी थी वैसे ही हमने ऑटोकैड पे हमने वो डायग्राम बना दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।